हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी वीडियो लेके आए हैं। तो बेटा, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके अंदर हम बेसिकली हम देखने वाले क्या है, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं जरा एक बार। पूरे चैप्टर में हमें कवर क्या करना है बेटा, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें निकालने हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स किस टाइप की होती हैं, ठीक है। फिगर्स के बारे में ओवरव्यू देखेंगे पहले तो, फिगर्स का ओवरव्यू, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जिसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू के बाद, वो पढ़ेंगे इन व्यू फिगर्स का। इन फिगर्स के साथ साथ क्या पढ़ेंगे बेटे, फॉर्मूलेस। किस किस के? सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के। इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ठीक है, हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम करते जाएंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कुछ रहने वाला है हमारा सिलसिला, किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा जब सरफेस एरिया की बात आई है, सरफेस एरिया किसी का निकालेंगे हम, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का निकालेंगे, किसी ना किसी फिगर का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर्स है ना, वो दो टाइप की हैं। पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो जरा, फिगर्स दो टाइप की हैं यहाँ पर। एक है बेटा 2D फिगर या 2D ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन कौन से है हमारे पास? 3D फिगर्स, ठीक है, फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स। अब 2D के अंदर इसे आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, है ना, जिसकी डायमेंशन a होती है चारों तरफ से, चलो बढ़िया। एक आपने बेटा रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ठीक है, स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा लगता है, ठीक है, इसकी एक साइड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा बेटा आपने? एक सर्कल पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही सर्कल है, सर्कल का चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पे उसकी एक रेडियस होती है। तो बेटा ये फिगर्स आपने पढ़ी थी कुछ यहाँ पर, क्या, ठीक है, किसमें? 2D फिगर्स में। अब 3D फिगर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? 3D फिगर्स में हम एक एक करके देखेंगे। एक एक पहले नंबर पे आएगा क्यूबॉइड, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आएगा यहाँ पे स्क्वायर। इन सब को भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, होते क्या है, कैसे दिखाई देते हैं बेटा। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कोन, देन सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन बेटा स्फीयर, ठीक है, और स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर। तो बेटा ये कुछ 3D फिगर्स हैं जो आपकी चैप्टर के अंदर आने वाली हैं, हमें ये पढ़नी है ना कि ये पढ़नी है, लेकिन इनके इनका बेस अगर आपको आता होगा तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर के बारे में पता है, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है बेटा, यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब। तो अगर आपको स्क्वायर के बारे में पता है तो आप क्यूब के बारे में बता पाओगे, अगर आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया तो आप क्यूबॉइड को रिलेट कर पाओगे उससे, सर्कल के बारे में बताया तो स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में समझ पाओगे, सिलेंडर भी इवन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, इन सभी फिगर्स को देखना है हमें, इनके फॉर्मूले देखेंगे फिर बेटा। नंबर वन पे आता है हमारे यहाँ पे क्यूबॉइड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस में नंबर वन पे आता है बेटा क्यूबॉइड, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो क्यूबॉइड की मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं, यहां पर एक रेक्टेंगल लीजिए, ले लिया एक रेक्टेंगल, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कीजिए, चलिए हो गया, सबने बना रखा होगा इस टाइप से 3D फिगर्स। तो बेटा इस टाइप की फिगर होती है किसकी? हमारी क्यूबॉइड की, ठीक है। ये यहां पर क्या है हमारी? ये हमारी हाइट है यहां पर, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर क्या है? एल है। तो बेटा बी कहां है? बी ये है। तो ये भी क्या हुई बेटा? बी हुई। ये भी क्या हुई? बी हुई। तो ये भी क्या हुआ? एल हुआ, ये सामने, ठीक है, और ये भी क्या हुआ? पीछे एल हुआ। तो अलग अलग यहाँ पे डायमेंशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इनके कुछ नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इन फिगर्स के नाम देने स्टार्ट करूँ, अगर यहाँ पे, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी
एंड एच। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्यूबॉइड जो बना है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से बना है। अब एक फेस जो है, जो एक फेस है उसका एक तरफ का हिस्सा जो है, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, एक टॉप का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, वो सब क्या है, फेसेस बन रहे हैं। फेसेस से आप समझो वो फेस बिल्कुल बिल्कुल किससे मैच करते हैं हमारे, आपने देखे होंगे अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो ये वाला एरिया बेटा, ये आगे का फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये वाला फेस जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ये एक फेस है ए बी सी डी। बेटा ये देखो क्या है, अपने आप में रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है एल इंटू एच, इसका क्या होगा एरिया हो जाएगा। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे एक और फेस बनाता हूँ, यहाँ पे एक फेस होगा बेटा आपका ये साइड वाला फेस होगा बेटा, ये साइड वाला फेस, ये साइड का फेस हो गया। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और फेस भी होगा बेटा इसके अंदर जो होगा हमारा ये वाला फेस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके आपको बता दिया है कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से बना है, पर हर एक फेस अपने आप में एक रेक्टेंगल है। क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है। अब वहां से अगर मुझे क्यूबॉइड का एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, तो मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब इसको इमेजिन करने के लिए अगर आपको मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायमेंशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको बेटा, देखो जैसे ये है हमारे सामने एक बॉक्स है। ठीक है, ये सामने से जरा देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल, तो ये तो हो गया इसका सामने का फेस। ये सामने से बेटा जरा ध्यान से देखो ये कौन सा हो गया इसका बेटा टॉप फेस, ये साइड का फेस हो गया, तो ऐसी एक साइड का फेस इधर भी होगा। अगर ये सामने का है, फ्रंट का है, तो इसके फ्रंट के पीछे क्या होगा, एक बैक भी होगा, बैक ये रहा, ऐसी टॉप है तो बॉटम भी होगा। जिस रूम में आप बैठे हैं बेटा उस रूम को जरा एक बार इमेजिन करो। ठीक है, अगर वो क्यूबॉइड शेप का है तो क्यूबॉइड में एक टॉप है, आपका फ्लोर है, एक आपकी सीलिंग है, आपकी इधर की दीवार है, लेफ्ट साइड राइट साइड फ्रंट एंड बैक, आगे बेटा समझ में, वो सेम है, तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हैं यहां से। तो बेटा अब यहां से हमारे दो एरियास यहां पे आते हैं, इधर हम ध्यान समझेंगे इनको एरियास को। चलो बहुत बढ़िया बेटा समझ में आ गया, तो डायमेंशन यहां पर पता लगी, तो बेटा यहां से मैं इसका सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया यहां पर दो टाइप का हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या बना है भाई, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा बाहर बाहर का एरिया, बाहर बाहर का, जरा फिर से देखो इसे देखो, एक साइड, दो साइड, पीछे की साइड, सार की साइड, बस चार चार तरफ की साइड। तो ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड क्या है, अब जरा इससे मैच करो, ये सामने की साइड ग्रीन वाली, ये ब्लू साइड, ऐसे ग्रीन का पीछे भी होगा एक और ग्रीन, ऐसे इसके इधर भी होगा। ठीक है, अब जरा यहां से इनको एरिया निकालो, जरा अगर मैं एरिया निकालने के लिए बात आता हूं तो बेटा ये क्या है, एच एल, ऐसे एच एल एक और भी तो होगा, तो टू एच एल, चलो बढ़िया। ऐसे बेटा यहां पे क्या है, एच और बी, एच और बी एक साइड में भी तो होगा, तो एच और बी, दोनों में से क्या कर ले, टू कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, एच एल प्लस एच बी। ठीक है बेटा, तो ये एरिया बने, ये हमारा क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल जो आपका रूम है उस रूम में आप कहते हैं अपना टॉप भी ऐड करा दो, फ्लोर भी ऐड करा दो और सीलिंग भी, दोनों चीजें ऐड करा दो। ठीक है, फ्लोर ऐड करा दिया, सीलिंग ऐड करा, दोनों चीजें ऐड करा दी, तो दो स्पेस और ऐड हो गए ना, तो वो दो फेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी इंटू एल, एल इंटू बी, तो इसको भी ऐड करा देते हैं। चलो बढ़िया, यहाँ से तो ये तो हमारे पास पहले से ही था, तो टू एच एल प्लस टू एच बी, ये तो पहले से था, इसमें इस बार नया क्या ऐड करा, नया क्या ऐड करा, टू इंटू एल बी, तो क्या आ जाएगा बेटा, टू कॉमन अगर मैं यहां से ले लेता हूं तो एच एल प्लस एच बी प्लस एल बी, तो बेटा ये एरिया होने वाला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब एक और फॉर्मूला बच जाता है इसके अंदर, वो है बेटा आपका किसका, वॉल्यूम का। चलो वॉल्यूम को भी मैं यहां पर ले लेता हूं साथ में, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड कैसे निकलेगी बेटा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं इसी बॉक्स को ओपन करता हूँ तो इसमें कितनी कैपेसिटी है कि इसमें कितना सामान आ जाएगा, कितनी हवा ये ऑक्यूपाई कर सकता है, कितना सामान रख सकता है, सॉरी बेटा, तो कितना यहाँ पे वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी है रख सकता है, तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला है एल डॉट बी डॉट एच, तीनों साइड की मल्टीप्लाई करा दो, L डॉट बी डॉट एच, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं मैं आपके लिए, L डॉट बी डॉट एच, तो बेटा ये वॉल्यूम होगी आपकी किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं फिर। चलिए तो नेक्स्ट फिगर है हमारी यहाँ पर, फिगर नंबर टू,
क्यूब। आप सबने बेटा सबने घर पे क्यूब खेला होगा, है ना, क्यूब को आपने देखा भी होगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है क्यूब, इस टाइप से। देखो मुझे तो सॉल्व करना आता नहीं है, अगर आपको आता है तो मुझे भी सिखवा देना भाई, ठीक है, कमेंट में क्या ट्रिक्स वगैरह होती है। मैंने खूब ट्रिक्स देखी है लेकिन कभी मेरे पे हुआ नहीं है, ट्राई करेंगे कभी खाली टाइम में। चलो बेटा क्यूब को देखो, आपने स्क्वायर पढ़ा था तो स्क्वायर की एक फेस बना दो। चलो बहुत बढ़िया, एक स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ से, ये ले लिया हमने एक स्क्वायर, ठीक है, एक और स्क्वायर ले लो पीछे का फेस उसका, एक उसके पीछे का फेस, इनके इस फेस को जोड़ दो। आप सबने बनाया है ये, 6th, 7th, 8th क्लास से बनाते आ रहे हैं ऐसी इस टाइप की फिगर्स, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, देखो यही तो हुआ, सेम ही तो है ये, देखो सामने का फेस, इसके ऊपर का फेस ये रहा, साइड का फेस ये रहा, इधर का फेस, इधर का फेस, इधर का फेस, तो बिल्कुल क्यूबॉइड के जैसा ही होता है, लेकिन क्यूबॉइड की डायमेंशन अलग अलग होती हैं, यहाँ पे इसकी साइड डायमेंशन बेटा क्या होती है, बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डायमेंशन ए ए और ये भी ए, तीनों डायमेंशन क्या होंगी इसकी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है। चलो बढ़िया, तो बेटा आप जरा सामने से इसको देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, एक स्क्वायर मिल रहा है, ये वाला एरिया देखो बेटा सामने वाला एरिया, ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया तो आप सबको पता है क्या होगा बेटा, स्क्वायर का एरिया जल्दी बताइए, ए इंटू ए, ए स्क्वायर होता है। तो यहीं से अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो बेटा कितना आएगा, कितने फेस को ऐड करना है, चारों तरफ के फेस, चारों तरफ की दीवारें इसकी, एक दो पीछे की तीन और एक इधर की चार, तो चारों का जब मैं ऐड कर लूंगा तो बेटा कितना आएगा बताइए जरा, 4a² भाई, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो चार फेस का कितना, 4a². चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो अब आएगा टोटल सरफेस एरिया, बेटा वो किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया भाई दोनों चीजें ऐड कर दो ना, टॉप भी ऐड कर दो बॉटम भी ऐड कर दो, तो 4a² प्लस 2a² किसके बराबर हो गया बेटा, 6a² के बराबर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बेटा वॉल्यूम की बात कर लो, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या थी, l इंटू बी इंटू एच, वही डाल दो, लेकिन डायमेंशन वहाँ पे अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन क्या है, सेम, तो a इंटू ए मतलब कि a क्यूब, तो ये हमारी क्या रहेगी यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं फिर नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर हमारे सामने जो आएगी वो आएगी सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर को डिस्कस करते हैं हम। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं हम इसको। अच्छा बेटा सिलेंडर को अगर मैं बात करने जाऊं, ठीक है, तो सिलेंडर अगर मैं अभी आपको बात करूं, सामने से देखो जरा ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल, आप सबने पढ़ा है सर्कल, ठीक है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है बेटा, 2πr, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस, ठीक है, या पैरीमीटर इसको हम कहते बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी सर्कमफेरेंस, 2πr। अगर बेटा इसी को, सर्कल को आप इसको हाइट दे दो, हाइट देखो मैंने इसको हाइट दे दी, अब ये सर्कल था उसको मैंने क्या करा, पीछे की तरफ बढ़ा चला गया, तो इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या दे दिया, एक हाइट दे दी, मान लो इसकी हाइट कितनी है, एच, तो 2πr इंटू एच, ठीक है, 2πr इंटू एच, ये हमारा क्या निकलेगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले एक फिगर बना लेता हूँ अच्छे से यहाँ पर, कुछ इस टाइप से बेटा इसकी फिगर होती है, टॉप और बॉटम पे सर्कल फिगर्स होंगी, है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी हाइट होने वाली है। चलो बेटा ये होगी हमारी हाइट, ये यहाँ से होगी इसकी रेडियस। चलो तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो वो बेटा कितना होगा, अभी मैंने बताया आपको भाई 2πr तो आपको लेना ही था, तो ले लो 2πr, ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल थी, मल्टीप्लाई किससे कर दे, हाइट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लो तो फिर से वही आ जाओ बेटा, टॉप एंड बॉटम ऐड कराना है, तो टॉप पे क्या दिखाई दे रहा था अभी मैंने आपको बताया था, अभी टॉप को आपका क्या दिखाई दे रहा था, सर्कल, सर्कल का एरिया, इधर से भी सर्कल, सर्कल का एरिया, तो दो सर्कल का एरिया ऐड होंगे यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, तो 2
पाई आर स्क्वायर स्थिति रहने वाला है, इसमें क्या कर दें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें। और क्या लिख सकते हैं हम इसको बेटा, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से एच प्लस आर, तो बेटा ये फॉर्मूला होने वाला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, तो बेटा वॉल्यूम यहाँ पे होगी इसकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। कितना पानी, कितनी हवा, कितना वो कहते हैं मास इसके अंदर यहाँ पे होल्ड कर सकता है, ठीक है वो बताना है, तो वो होती है हमारी वॉल्यूम। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। फिर सिलेंडर के बाद नेक्स्ट है बेटा कोन। आप सबने कोन देखी होगी, बर्थडे कहते हैं आप सब सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थडे क्या पहनते थे आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोन की, तो कोन ऐसी होती है, ये बर्थडे कैप है, ठीक है। तो बर्थडे कैप अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। अभी यहां पर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है यहां पे बेटा कोन, ठीक है। तो कोन की अगर मैं फिगर बनाता हूं यहां पर, कोन की फिगर बेटा कुछ इस टाइप से होगी। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं जरा बेटा। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये टेढ़ी आपको लेंथ दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पे हम डिनोट करते हैं L से, जिसका मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। चलो बेटा इसमें नीचे देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको सामने ये कौन है, ठीक है ये कौन है, ठीक है ये कौन है, ठीक है ब्लूपर में आपने देखा होगा इस तरीके से कौन पहनते हुए मुझे। चलो ये कौन की ये वाली साइड तो होगी हमारी क्या, स्लैंट हाइट, ठीक है। अच्छा बेटा इसको नीचे से जरा देखो एक बार, कैसा दिखाई दे रहा है जरा ध्यान से देखो, कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल का एरिया भी तो ऐड होगा ना, सर्कल का एरिया भी तो आ रहा है नीचे से, तो सर्कल की क्या होगी बेटा, एक रेडियस भी तो होगी, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा एक आया समझ में। अच्छा बेटा इसकी एक हाइट भी तो होगी, ये देखो अभी मैंने इसको क्या कर रखा है, देखो ये जो मैंने मार्कर इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया है, वो मार्कर की हाइट, इसकी क्या हाइट हो जाएगी, हाइट नहीं हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ से हाइट, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करने जाऊँ, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर कर्व सरफेस एरिया कौन का कितना होगा बेटा, ये होगा हमारा यहाँ से पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है बाहर बाहर का एरिया, बाहर बाहर का, ठीक है। यह ऐसे समझो कि इसको बनाने में ये जो बाहर बाहर के अगर मान लीजिए जो ग्रीन पेपर जो इसके ऊपर लग रहा है, तो कितना ग्रीन पेपर लगेगा, ये ग्रीन पेपर इसके ऊपर चिपक रहा है, तो इस ग्रीन पेपर को लगाने कितना लगा, तो इस चीज़ को निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है। चलो अगला आएगा यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अब तक आपको पता लग गया होगा जितना कर्व सरफेस एरिया होता है वो तो एज इट इज आता ही आता है, उसमें कुछ ऐड ही करते हैं। ऐड क्या करेंगे, ये देख लो क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो करा देते हैं यहाँ से कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ गया बेटा, आर भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा एल प्लस आर, तो बेटा दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कॉन। अरे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका, भाई कितनी हवा, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो कितनी हवा इसके अंदर भर सकती है, कितना मैं सामान इसके अंदर भर सकते हैं हम, तो वो होगा बेटा यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई आर स्क्वायर एच तो कहीं और भी देखा था क्या, सिलेंडर की वॉल्यूम उसका 1/3 ही तो है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 है, देखो पाई आर स्क्वायर एच आपने वहां पर देखा था, उसका 1/3 कर दो, ठीक है बेटा याद रहेगा इस तरीके से। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, चार फिगर हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट फिगर है हमारी यहाँ पे स्फीयर। आप सब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उस सब में जो आप बॉल यूज़ करते हैं, ठीक है वो बॉल किस शेप की होती है बेटा, वो स्फीयर शेप ही तो होती है भाई, सर्कल हो गया टू डायमेंशन, आपने कोई पेपर है, पेपर का कटिंग आपने काट दिया, ठीक है वो भी आपका सर्कल, लेकिन जब उसको आपने 3D फिगर दिया तो बेटा वो चारों तरफ से कर्व्ड होगा, ठीक है बॉल की फॉर्म में होगा, तो वो कैसा दिखाई देगा बेटा, ठीक है बॉल की फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है तो बॉल वहाँ पे होगा। चलो इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्फीयर, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्फीयर इस तरीके से होगा, अभी तो बेटा ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि भाई सर्कल ही होगा, लेकिन बेटा ये सर्कल नहीं है, ये क्या एक स्फीयर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे होगा अगर मेरे पास, ये रहा आ जाओ, चलो बेटा ये रही,
है ना, सबने खेला है बचपन में ऐसे छोटी प्लास्टिक की बॉल से, घर पे खेला होगा छोटे रूम के अंदर, ठीक है, खूब मम्मी से पिटाई भी होगी जब टूटा, कहते कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा, है ना। तो ये देखो सामने से सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्कल चारों माही से देखो बेटा, चारों माही सर्कल तो नहीं है, ये क्या है, एक स्फीयर है, एक बॉल है, ठीक है। तो इसी टाइप की फिगर यहाँ पे क्या होने वाली है हमारी, स्फीयर। तो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों बेटा एक ही होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कर्व्ड की बात करते हैं, टोटल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब चीज कर्व्ड की फॉर्म में है। तो बेटा वो दोनों क्या होंगे हमारे, एक ही होंगे यहाँ पे, तो स्लैश लगा दिया मैंने इसलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, बेटा वो कितना होगा, 4πr² 4πr², ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा वॉल्यूम कितनी होगी इसकी, वॉल्यूम की बात आ जाती है भाई, अगर उस बॉल को, उस वॉलीबॉल को फाड़ दिया जाए और उसके अंदर सामान भर दिया जाए, उसे फिर से सील कर दिया जाए, तो कितनी जगह लग सकता है वो, या कितनी उसके अंदर हवा भरी जा रही है, कितनी वॉल्यूम है उस बॉल के अंदर, आप लोग उसके अंदर पंप करते हैं, बॉल हवा भरते हैं, कितनी कैपेसिटी है उस बॉल की। तो वॉल्यूम क्या निकलेगी बेटा, 4 upon 3 pi r³। चलो समझ में आया बेटा स्फीयर के बारे में, ठीक है। तो स्फीयर जो होगा ये हमारा इस तरीके से पूरा भरा होता है, सर्कल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा, लास्ट फिगर है हमारे सामने अब जो आने वाली है वो है बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो स्फीयर का आधा कर दो तो हेमिस्फीयर बन जाता है। चलो इसकी फिगर मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप से फिगर होती है इसकी, कुछ इस टाइप से कटोरा टाइप का, है ना, बॉल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब चलो बेटा आप सभी के लिए, चलो मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बेटा। ये देखो आपको बॉल दिखाई दे रही है सभी को, ये देखो बॉल दिखाई दे रही है। अब देखो मैं इस बॉल को तोड़ देता हूँ, यहाँ से टूट गया, कट गया बिल्कुल इक्वल पार्ट में। अब बेटा ये देखो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, यही तो आपका हेमिस्फीयर है। सामने से दिखाई देखो, इस फिगर को देखो और उस फिगर को देखो, सामने से कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कटोरा ट्रिक, ठीक है, कटोरा टाइप का। लेकिन जब इसे सामने से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल, देखो क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो बेटा जितना स्फीयर का था उसका आधा कर दो, क्योंकि कट कट गया है ना बीच में से, तो वहां कितना था, 4πr², तो कितना हो जाएगा, 2πr², उसका आधा। स्फीयर का याद कर लो, हेमिस्फीयर का तो याद हो ही जाता है। इसके बाद आ जाओ इसका टोटल सरफेस एरिया, बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखना, वहां पर नहीं था, वहां पर दोनों सेम थे, लेकिन इसका अलग होता है कैसे भाई, जितना पहले से हमारे पास है 2πr², वो तो ऐड कर दो, 2πr² तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी को होना ही नहीं चाहिए। अब फिर से मैं उसी बॉल को लेकर आता हूँ, जरा देखो बेटा, ये तो हो गया 2πr² सामने का, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, πr², कितना हो जाएगा बेटा, 3πr², समझ में आ गया। ऊपर वाला टॉप एरिया भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम क्या होगी बेटा, वहां पे थी 4/3, स्फीयर की कितनी थी, 4/3, तो 4/3 का हाफ कर दो, 1/2 × 4/3 πr³, यहां से 2 से 2 कटा गया तो कितना आएगा, देखो जरा यहां से 2 आएगा तो 2/3 πr³, ये स्फीयर की थी ना, इस तरीके से निकल के आएगी 2/3 πr³, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सेमिस्फीयर लास्ट फिगर थी हमारी, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जिसको हमें डिस्कस करना है, कहते हैं आपके एक्सरसाइजेस के अंदर। तो ये सारे फिगर मैंने सीधा आपको पढ़ा दी हैं, इनके फॉर्मूलेस आपको कर दिए हैं। तो बेटा इन सभी फॉर्मूलेस को आपको क्या करना है, नोट करना है। एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है, कैसे आपको इनको याद करना है, ठीक है, कैसे आपको रिमेंबर करना है इनको, कैसे, ठीक है। देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जहां बात आती है बेटा, सब कुछ विजुअलाइज भी हो जाता है कि अगर आप क्या उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई। उस फिगर को आपने आंख बंद करी, भाई मेरा घर का रूम है, उस रूम के अंदर क्यूबॉइड है। अब मान लो वहां पे आ जाती है बात, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके सामने कि भाई मेरे पास, आपके पास एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड को पेंट करना है। भाई पेंट कहाँ कहाँ करोगे बेटा, जरा बताओ मेरे को, पेंट कहाँ कहाँ पे होता है,
क्या नीचे सीलिंग यहाँ पे होगा आपके, फर्श पे होता है? नहीं होता ना। कहाँ होगा? इस दीवार पे होगा, इधर पे, इसके सामने वाली पे होगा, इधर वाली पे होगा, इधर वाली पे होगा। चार दीवार तो हो गई, एक ऊपर की दीवार होगी। आया समझ में? और क्या आ सकता है कि एक टेंट है, टेंट किस फॉर्म में है, कौन की फॉर्म में है, तो उसके ऊपर हमें कपड़ा बांधना है, नया कपड़ा चढ़ाना है, तो कितना कपड़ा लगेगा, कपड़े की कॉस्ट दे रखी है, इस तरीके से। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, कितना एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कितना निकलेगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं अब। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एज पर CBSE 2022-23 सिलेबस जो CBSE ने दिया हुआ है, उसमें आपकी एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे कहते हैं डिलीटेड है। ठीक है, CBSE ने थोड़ा सा आसानी करा है बच्चों के लिए। ठीक है, जब से कोरोना काल आया, जैसे थोड़ा सा CBSE बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गया बच्चों के ऊपर, इस साल तो नहीं होना चाहिए था, हालांकि मैं तो यही मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई नहीं, जैसे CBSE बोलेंगे हमें तो वैसे ही पढ़ाना है। तो एक्सरसाइज 13.1 बेटा, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे इस साल नहीं आ रही है। ठीक है, जो पूरी पूरी क्यूबॉइड के ऊपर थी, तो क्यूबॉइड का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आगे इसके अगर आता है तो मैं इसकी वीडियो बाद में डालूंगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिलेंडर की 13.2, बेटा वो भी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो एक्सरसाइज 13.1, 13.2 नहीं आ रही है, तो बेटा उन दोनों की यहाँ पे मैं नहीं करवाने वाला हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि आपके जल्दी आपके पेपर आने वाले हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं, तो सिलेबस हमें वही पढ़ाना है जो कहते हैं एग्जाम में आने वाला है ना, तो कवर करेंगे जल्दी जल्दी। तो एक्सरसाइज 13.3 को देखते हैं क्योंकि 13.3 हमारी CBSE ने बताई है कि आनी है। चलो तो ऐसी ही बात है, तो 13.3 से स्टार्ट कर लेते हैं बस। एक्सरसाइज 13.3, चलो। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन की बात हुई है, किसकी बात हुई है बेटा, कॉन की बात हुई है। चलो कॉन बना दी, कह रहा है भाई कॉन की जो डायमीटर है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग मीटर पेन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कह रहा है जो इसका डायमीटर है ना, पूरा डायमीटर, वो डायमीटर है भाई इसका 10.5, चलो क्या है, सेंटीमीटर। और इसकी जो स्लैंट हाइट है, टेढ़ी वाली जो हाइट है, वो कितनी दे दी है बेटा यहाँ पर, ये दे दी है यहाँ पर कितनी, ये भी 10.5 और ये 10। कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या निकाल दो, कर्व्ड वाला निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्यूशन करते हैं फिर यहाँ पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है बेटा बताइए, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू से निकालनी पड़ेगी भाई, तो डायमीटर दिया हुआ है तो क्या होता है बताओ। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, मतलब 10.5 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, 10.5 डिवाइड बाय 2। अच्छा L दे रखी है, बहुत बढ़िया, 10 आ गया। अब इसका सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कराएंगे, चलो बेटा इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट, ये बेटा क्या आया, 105। 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो पूरा 15 टाइम्स कटता है, कितना टाइम्स कटता है, 15 टाइम्स कटता है। चलो इसे यहाँ पे ले जाओ, ये हो गया कितना, 11। तो बेटा ये आया 11 × 15, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, अलग अलग तरीके हैं करने के। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मानता हूँ, अगर 10 × 15 करते हैं तो बेटा कितना आता है, 150। अब 1 × 15 कर दो कितना आएगा, 15, इस तरीके से कर सकते हो आप सिंप्लीफाई। तो इनको ऐड करना है तो कितना आएगा बेटा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, मैं इसे पहले हटा देता हूँ से। चलो क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, फिर से कोन आ गया है, इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इस बेस। चलो पूरी एक्सरसाइज वैसे कोन के ऊपर ही है ना। चलो तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, स्लैंट हाइट दे दी है इसकी 21 और ये दे दिया इसका 24 डायमीटर। तो डायमीटर है इसका 24 और ये कितनी है इसकी बेटा,
21 सेंटीमीटर। कुछ चीज मिसिंग है क्या? चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। चलो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर। चलो बेटा कॉमन लेना, जरा कॉमन लेके थोड़ा सिंपलीफाई करो। पाई कॉमन ले लिया मैंने, आर कॉमन ले लिया मैंने, क्या आएगा? एल प्लस आर। तो आपको ऐसे याद हो रहा है तो आप ऐसे करो, नहीं तो बिल्कुल छोटे तरीके, पहले कर्व निकाल लो ठीक है उसमें, ठीक है थोड़े बाकी का ऐड कर दो। ये हो गया बेटा, यहाँ पर देखो पाई ठीक है, एल हमारे पास है, आर है, निकल जाएगा। कुछ मिसिंग है? कुछ मिसिंग नहीं है ठीक है, आराम से यहाँ से निकलने वाला है। चलो तो निकालते हैं यहाँ से, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसे निकाल लो तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस हो जाएगी 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको साथ साथ आप लिख लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा बेटा एल की वैल्यू कितनी है? 21, ये हो गया हमारा 12। तो 22/7 इंटू 12 बेटा ये कितना हो जाएगा? 33। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर अपने आप सॉल्व करना है ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे यहाँ से, 22/7 3.14 होता है वैसे तो, उसकी मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई भी 33 से करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे कमेंट में मेंशन करेंगे, सर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हमारा ये आया ठीक है। इससे आप मुझे यही पता लगेगा कि हाँ आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा जी, कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही दे रहा हूँ इस बार तुम्हें, जो तुमने अब तक निकाला है ना फर्स्ट क्वेश्चन में वो दे दिया मैंने। तो CSA, इसे हम CSA से बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट भी दे दी है, मतलब कि L दे दिया है। क्या दे दिया है? L कितना? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है दो पार्ट पूछ रहे हैं बेटा यहाँ पर। पहला पार्ट है रेडियस, क्या पूछ रहा है? रेडियस। और दूसरा पूछ रहा है TSA। भाई TSA के लिए तो हमें CDs निकालनी पड़ेगी, चलो वैसे भी हमें निकालना ही पड़ेगा अगर सेकंड पार्टी पूछा होता तो। एक कौन बना लो बेटा यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझा पाएंगे। कौन से कौन बन गया? L दे दो यहाँ पर, L की वैल्यू कितनी है? 14। CSA दे रखा है, भाई CSA से क्या लेना देना है? हमें रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रेडियस। तो यहाँ पर CSA अगर मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जाऊँ तो CSA इज इक्वल टू 308, ये गिवन है मेरे पास। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 308, इसकी वैल्यू है 308, ये कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू है 308। बेटा यहाँ पर क्या करो, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू तो निकालनी है, आर की वैल्यू तो ऐसी रहने दो, एल की वैल्यू पता है 14 है, यहाँ पे 308 सबको इधर लेके जाओ ठीक है ना, आर को यहीं छोड़कर। तो 308 इंटू 7 ऐसे, हालांकि हम यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 आ जाएगा। चलो और भी बढ़िया आसानी हो जाएगी यहाँ से, डिवाइड बाय 22 और यहाँ से इंटू 2 इस तरीके। अगर बेटा मैं इसे 2 से काटूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 154 डिवाइड बाय 22 का टेबल चला दो एक बार, तो कितना आंसर आएगा बेटा? आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से कितनी? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ चुकी है तो बस, तो आधा काम हमारा हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। आप सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पूछा है TSA, तो TSA क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस आर, यही तो होता है पाई आर आर प्लस एल। चलो पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू फिर से 7, 7 से 7 कट, 22 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 21। कैसे करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करो भाई। अगर 22 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करा दो, 20 टाइम्स करा दो कितना हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको, छोटी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे आप रैंडम नंबर के सॉल्व करेंगे। इसे 22 मानो, इसे 20 मानो, 22 इंटू 2 कितना होता है? 44, इंटू पीछे 0 लगा दो, हो गया। अब 22 की एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 22 ऐड करा दो, इसको ऐड कर लो बस, कितना आ जाएगा? 2, यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला है। ये आपकी रेडियस, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। चलिए आगे बढ़े फिर,
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ कॉनिकल टेंट। अच्छा, एक कॉनिकल टेंट आ गया, ठीक है बेटा, एक कॉन की फॉर्म में टेंट दे दिया है, ठीक है, इज ऑफ अ 10 मीटर हाई एंड रेडियस दे दिए, दो चीज़ें दे दी हैं, कह रहा है स्लैंट हाइट बताओ, इसकी कॉस्ट बताओ। चलो कॉस्ट वाला पार्ट तो हम बाद में देखते हैं कि कॉस्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, पहले हमें जो निकालना आता है ना वो हम देख लेते हैं। बेटा कह रहा है कि एक कॉन की फॉर्म में जो टेंट है, जब भी कैंपिंग वगैरह करते हैं तो इस टाइप से कैंप होते हैं ना, ठीक है, अगर आप सबने कैंपिंग वगैरह करी होगी तो आपको पता होगा इस टाइप से कैंपिंग, नहीं तो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। कह रहा है इस टाइप का, तो भाई आपका एक टेंट है, उस टेंट की यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, 10 मीटर हाई है, मतलब कि जो इसकी हाइट है, ये जिसकी हाइट है वो दे दी है, कितनी हाइट दे दी है भाई, 10 दे दी है, और क्या दे दिया बेटा इसका, और सेकेंड चीज इसमें दी है कि बेस इसका कितना है 24, ये पूरा कितना है, ठीक है, बेस रेडियस, अच्छा रेडियस दी है, सिर्फ रेडियस पार्ट दिया है बेटा, बढ़िया है, फिर तो और भी आसान है, हमें रेट अलग से निकाल दिए, कितना है बेटा 24 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 24 और H इज इक्वल टू 10, तो क्या निकालना है, कर्व स्लैंट हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन जो है उसे लिख लो 24 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है L, कैसे निकालेंगे देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, देखो कोन तो है पूरा, इस कोन के अंदर भी तो एक ट्रायंगल बन गया, यहां से देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये वाला हिस्सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल भी किस टाइप का बन गया जरा बताओ, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है तो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये हमारा L है, L का स्क्वायर किसके बराबर होगा, H के स्क्वायर के बराबर प्लस R के स्क्वायर के बराबर, तो यही तो होता है, अगर कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर कोई डिनोट करके दिखाता हूँ, मान लो ये ट्राइंगल है A, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे होता है पाइथागोरस से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इसके थ्रू है ये पाइथागोरस है बेटा, ठीक है, अगर किसी को नहीं बताया तो ये पाइथागोरस इस तरीके से काम करती है, 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, तो यहाँ से मुझे L स्क्वायर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा जरा देखो, क्या H पता है मेरे को, पता है 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा बेटा 10 का स्क्वायर आपको पता होगा 100, क्या 24 का स्क्वायर नहीं पता है, नहीं पता है तो बेटा ट्रिक देख लो जरा दोबारा से, आपने अगर आप मेरी अब तक शॉर्ट ना देखी हो तो 24 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 04, 4 का कितना होगा 16, इतना क्लियर है, 24 जा कितना होगा, 24 जा की इंटरवाई करो 8 आएगा, 8 की इंटरवाई 2 से करो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 5, कितना आया 576, कितना 576, ठीक है 576 इस तरीके से आ जाएगा, 2 4 8 इस तरीके से, चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर तो ये इन दोनों को ऐड कर दो, कितना है 676 L स्क्वायर की, क्या मुझे L स्क्वायर चाहिए कि L चाहिए, L चाहिए, तो बेटा इसे ऐड हटा रहा हूँ यहाँ से, L की वैल्यू हमारी आएगी अंडर रूट 676, 676 किसका निकाल होगा बताओ जरा, आप जरा सोच कर देखो, ये आएगा बेटा किसका, 26 का, 26 का, ठीक है 26 हमारी स्लैंट हाइट आ गई है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व, एक और पार्ट रह रहा है इसके अंदर, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि भाई जो टेंट बनाने में कॉस्ट लगी है वो ही निकाल दो, अगर कॉस्ट का अगर कपड़े का दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 70 रुपये, तो पहले तो बेटा क्या निकालेंगे इसका जरा बताओ, इसका पाई आर एल निकालें कि टी एस से निकालें, जरा देखो जो आपका टेंट बना है क्या वो टेंट जमीन पे भी डाला जाता है, जमीन पर नहीं डाला जाता ना भाई, ऊपर ऊपर का हिस्सा निकालना है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ से सेकंड पार्ट सी एस सी निकालना है, वो क्या होगा पाई आर एल, तभी तो एल निकाली हमने यहाँ से, चलो तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24 और L की वैल्यू यहाँ से 26, इसको अभी मैं सॉल्व करना, कैलकुलेशन जितनी अवॉइड कर सकते हैं ना उतनी करना अभी, चलो आगे चलते हैं, अब कह रहा है कॉस्ट तो निकाल दो भाई, ये तो हो गया हमारा सी एस से, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, हमें कॉस्ट निकालनी है, हमें सी एस से मतलब नहीं है,
सी एस से सॉल्व करके क्या करोगे, कॉस्ट निकालो भाई। कॉस्ट क्या कह रहा है, ये जो भी आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आने वाला है ना। कह रहा है एक मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपये है बेटा। मान लो है 100 मीटर स्क्वायर आया, तो अगर एक की कीमत 70 रुपये है तो 100 की कीमत कितनी होगी, 70 × 100। तो वही करना है हमें यहाँ पर, कॉस्ट निकालनी है 70 × दिस 22/7 × 24 × 26। अब देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा था डिवाइड करने के लिए, 7 से यहाँ पे पूरा पूरा 10, समझ में आया ना, इस तरीके से। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, ठीक है, करके आप आंसर बताएंगे सर कॉस्ट इसकी कितनी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था, ये समझ में आया, ठीक है, कैसे स्क्वायर निकाला, 576 आया यहाँ पे, 676 अंडर रूट के अंदर, फिर यहाँ से इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन, टार्पोलिन क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, तिरपाल, नीले कलर की तिरपाल आपने देखी होगी, है ना, उसे हम तिरपाल बोलते हैं, या ब्लैक कलर की भी आपने देखी होगी। तो टार्पोलिन 3 मीटर वाइड है वो, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। चलो बेटा एक टेंट ही बना लो, कॉनिकली टेंट के पीछे पड़ गए। एक और क्वेश्चन दे दिया टेंट का, कॉनिकल टेंट इसकी हाइट कितनी दे दी है यहाँ पर, ये हाइट दे दी है कितनी, 8। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड बेस 8 या 6, ये भी बढ़िया है, ये तो दे दिया बेटा 10, ये दे दिया कितनी 6। चलो अरे हाइट 10 नहीं, ये 8 है, ठीक है। एज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल डेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन इन्वेस्टेड इन करिंग इज कटिंग अप्रॉक्सीमेट 20 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कह रहा है कि जो हमने टेंट बनाया है, उस टेंट को बनाने में जो कटिंग वेस्टिंग स्टिचिंग वगैरह सब में जो वेस्टेज हुआ, वो वेस्टेज भी अप्रॉक्सीमेट 20 सेंटीमीटर है। तो जब हमने वो लिया होगा टारपोलिन, जब लिया होगा तिरपाल लिया होगा, स्टिचिंग तो बाद में कराई है, तो उसमें कट पीस भी तो निकला होगा, समझ में आया। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो अब तुम्हें ये नहीं निकालना है कि कितना कहते हैं एरिया इसका है, हमें निकालना है कितनी रिक्वायर्ड होगी टारपोलिन, तो हमने कितनी खरीदी होगी वो बताना है। तो उसमें जो कट पीस वाला माल निकला है ना बेटा, वो भी ऐड करना है। तो 20 सेंटीमीटर की वहाँ पे वेस्टेज आ रही है, ठीक है, समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ से। इसका पहले तो सी एस से निकालना है, समझ लो, पहला मोटिव काम क्या है हमारा, पहला मोटा काम क्या है, सी एस से निकालना है। सी एस से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई बताए, आर बताए, एल बताए, नहीं पता, पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वैसे निकालेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो सी एस ए क्या होगा, पाई आर एल। अब एल की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, एल कैसे निकलेगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लो। अब एच का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36 एल स्क्वायर के बराबर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 64 ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 100, स्क्वायर यहाँ से हटा तो क्या आएगा अंडर रूट। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ रखने वाला हूँ, ठीक है, आप इसको अलग से ऊपर रखेंगे। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 6 × 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो ये तो हो जाएगा हमारा सी एस से, ठीक है, तो 22 × 6 यहाँ से कितना आएगा 132, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 132, देखो बट 20 × 6 126, ठीक है, इंटू 10, मैं 10 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी, यहाँ रखना, 7 से डिवाइड करो कितना कटेगा 1 टाइम्स पूरा कितना बचेगा 662 मतलब कितने पे जाएगा 8 × 7 = 56। चलो पॉइंट लगा दो, 56 बचा, कितना बचा अभी भी 6 बचा, तो मतलब फिर से कितना आएगा 18.8 फिर से आने वाला है, 18.8 फिर से आने वाला है, तो इसका मतलब यही रहेगा। तो यहाँ से 1 और इसमें इस तरीके से, ठीक है, तो 1 18.88 × 10, तो बेटा कितना आ जाएगा 188. देखो 10 के इंटू लगाएगी तो कितना आ जाएगा 8, क्या है ये, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है कि मीटर में दे रखा है, अच्छा मीटर में है, तो बेटा ये आएगा, ये भी हटाओ यहाँ से, ये सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, क्या आएगा ये इसका सी एस सी। तो ये तो वो है जो आपका रिक्वायर्ड हुआ है टेंट के लिए, भाई कट पीस भी तो हुआ है ना,
कटपीस भी तो है, टेलर को देखा है, कोई भी कभी आप उसके कपड़ा देने जाते हो बनाने के लिए तो कितना कटपीस का माल निकाल देता है, तो वही कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की कटपीस भी है तो उसको भी ऐड करना है। तो टोटल टारपोलिन इज इक्वल टू दिस, इसे ऐड करा दो। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे ऐड कराएंगे 188.8, 20 सेंटीमीटर है, किसमें करना है मीटर में, तो 20 कैसे करेंगे समझो, 20 / 100 कितना आ जाएगा 0.2, भाई इससे ये कटा 0.2 कितना आ जाएगा बेटा 189 यहाँ पर सेंटीमीटर, इस तरीके से हमारे यहाँ से टोटल क्या निकल के आ जाएगा मीटर, ठीक है। इतना एरिया मुझे यहाँ पर चाहिए, मतलब इतना मुझे टारपोलिन वहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब, टॉम्ब बना दिया है, मंदिर देखा है, समझ लो ये मंदिर है, समझो बेटा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा देखा होगा ना, इस तरीके से घर में ही मंदिर होते हैं उसके ऊपर भी इस तरीके से कॉनिकल टॉम्ब बने होते हैं, या बाहर मंदिर देखे होंगे उस तरीके से बहुत बड़े बड़े कहते हैं मंदिर बने होते हैं, ठीक है। तो ये कॉनिकल टॉम्ब है इस तरीके से, तो उसकी बात कर रहा है बस, तो कॉनिकल टॉम्ब ले लेते हैं यहाँ से और अच्छा सा बना देते हैं यहाँ से। चलो बड़ा बड़ा कॉनिकल टॉम्ब आ गया, अंदर से तो खोखला ही होता है, ठीक है, सब कुछ दिखता है वहाँ से। कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब, मतलब कि स्लैंट हाइट दे दिया बेटा कितनी 25 मीटर, वही तो छोटा कैसे हो जाएगा, एंड 14 बेस डायमीटर, पूरा डायमीटर दिया है, इस बार ध्यान रखना। चलो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA, कह रहा है भाई कितनी कॉस्ट लगेगी इसको पेंट करने में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जब भी पेंट वाला क्वेश्चन आ जाए क्या निकालोगे, ठीक है, CSA निकालो, ये है ना पूरा उभार का भार का निकालना है, तो यहाँ से हमें CSA निकालना है बेटा इसका, वो क्या होता है पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 14/2, भाई ये डायमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2, एल की वैल्यू कितनी है 25, 7 से 2 टाइम्स 2 से यहाँ पर ये कितना आएगा बेटा 22 × 25, इतना छोड़ दो, ठीक है ना, CSA से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कितनी कॉस्ट लगेगी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट CSA एट द रेट ऑफ 210 मतलब 210 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू बेटा कितनी बोलना है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, समझ में आया, जब भी ऐसा लिखा है तो 210 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, जो नीचे दे रखा है पर मीटर स्क्वायर वो नीचे डाल दो, इनटू जितना एरिया निकला है 22 × 25, अब समझ में आया मैंने क्यों नहीं कट यहाँ पे करवाई आपको कैलकुलेशन, ये देखो पूरा पूरा 4 times कटेगा यहाँ से, आया समझ में। अब इसे भी और कुछ काटना है तो 4 से यहाँ से ये 2 times आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, इसे भी काट सकते हो, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 105, तो 105 × 11 कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 105 की मल्टीप्लाई करो किसके अंदर 10 के अंदर, तो देखो मैं करके ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, 105 मतलब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ 105 × 10, तो 1050 आ गया इतना। अब एक बार और कर दो, उसमें 105 ऐड करा दो, बस यही तो काम करना है, तो आंसर बताओ कितना आएगा फिर, देखो पीछे 5 फिर 5 और फिर यहाँ पे 11, कितना है ये हमारा क्या है रुपीस के फॉर्म में आ रहा है, तो भाई रुपीस का सिंबल बना दो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, इसे रुक जाओ मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ जोकर स्कैप, भाई जोकर ही टोपी आ गई है भाई अब, ठीक है ना, बना दिखाता हूँ अभी टोपी आपको,
चलो जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7, इसकी रेडियस दे दी है बेटा कितनी 7 सेंटीमीटर चलो, एंड द हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको ऑर्डर मिल गया 10 कैप और बनानी है, आपने एक कैप बना दी, आपकी कैप बहुत अच्छी लगी, मेरी कैप ही है, सबको अच्छी लगी, आप सबने ऑर्डर दे दिए कि सर ठीक है टोटल ऑर्डर आया 10, तो भाई ये शीट बनाने के लिए मुझे ग्रीन पेपर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो मुझे क्या निकालना है इसका CSA, क्या ग्रीन पेपर अंदर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला एरिया निकालना है ठीक है। CSA के लिए मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, तो L निकालो पहले। चलो बेटा L इज इक्वल टू पहले जो गिवन है वो लिख लो, R की वैल्यू 7 और यहाँ से इसकी वैल्यू है क्या है हमारे पास H 24 सेंटीमीटर, तो L कैसे निकलेगा, L का स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, H का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, R का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ठीक है ना, 24 का स्क्वायर बताया था 576, ये 49, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 625। वैसे भी ट्रिपलेट्स होते हैं बेटा कुछ ठीक है, मैथ्स में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस के ठीक है, जैसे आपका 7 24 25, जहाँ भी दो नंबर दिखाई दे ना तीसरे वाला अपने आप पता होना चाहिए चाहिए आपको ठीक है, कहीं पर 24 मिल जाए 10 मिल जाए तो अगला नंबर 26 होगा इस तरीके से ठीक है, 2 3 5, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9 16 25 के इस तरीके से, तो कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं यहाँ पर ठीक है, तो उन ट्रिपलेट्स को तो मैं नहीं बताने वाला हूँ इतना कितने कितने होते हैं, तो थोड़ा समझ लो। तो यहाँ से क्या हुआ एल स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 625, कितना आएगा बेटा 25 का, जहाँ तो बच्चों को पता होगा किसका होता है अंडर रूट, निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, निकालना है भाई एरिया, वो भी कौन सा CSA, तो CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, तो 22/7, आर की वैल्यू हमने है हमारे पास 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25, क्लियर हो गया इतना, ये है इतना, तो 7 से 7 काट दो कितना आएगा 22 × 25, तो 25 की मल्टीप्लाई कर दो जरा एक बार बताओ कैसे होगा, 25 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आएगा 500 आ जाएगा मोटा मोटा ठीक है, अब 525 की मल्टीप्लाई दो बार और करोगे कितना आएगा बेटा 550, तो ये तो आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एक का, एक टोपी का भाई, ऐसी हम आकाश सर को 10 टॉपी बनानी है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए कितनी शीट का, ग्रीन शीट को निकालने के लिए, तो क्या निकालना है टोटल एरिया ऑफ 10 क्या है हमारे पास कैप्स, क्या होगा बेटा 10 × 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ना, यही पूछा था हमें क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 10, समझ में आया बेटा सभी को, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर, आई होप लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सही बात, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला है, थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर ठीक है ना, मैं पढ़ के बताता हूँ लैंग्वेज, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड बाय वन ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स, आप सबने देखे होंगे बेटा होलो कॉन्स ठीक है, कैसे होते हैं जो घर पर कभी कभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सड़क के ऊपर, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं क्या रख देते हैं, उन कॉन्स को रखते हैं ठीक है, ऑरेंज कलर की होते हैं व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है ठीक है, उनको रखते हैं ताकि कहते हैं कोई भी कार उस जगह उस एरिया पर ना आ जाए, कोई भी कहते हैं वहाँ पे हादसा ना हो जाए। चलो कह रहा है कि सड़क पे बस स्टॉप पे काम चल रहा था जिसकी वजह से 50 होलो कॉन्स को हमने रख दिया गया ठीक है, जो कार्डबोर्ड के बने हुए थे, ईच कोन ऐसा, अब एक कोन को बना लेता हूँ मैं, 50 तो नहीं बना रहा मैं, क्या कह रहा हूँ भाई एक कोन को बना लो, एक को मैंने यहाँ पर बना लिया, चलो मार्कर थोड़ा सा हल्का हो गया तो चेंज कर, चलिए बेटा बस स्टॉप बैरिकेड बाय द 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ द ईच डायमीटर दे दिया इसका कितना, पूरा डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर, चलो
इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज, चलो वो बात तो बाद की है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस कॉइन। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है यहाँ पर, पाई की वैल्यू मैं बता देता हूँ यहाँ पर, पाई की वैल्यू दी है यहाँ पर 3.14। एक और हिंट दिया है बेटा आपको, वो दिया है रूट 1.02। चलो देखते हैं आकर कहीं आएगा तो, ठीक है पहले से क्यों देखा जाए। तो ये दे रखा है पेंट का एरिया निकालना है, मतलब क्या निकालना पड़ेगा बेटा सी एस ए, तो सी एस ए के लिए हमें क्या चाहिए एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर। जहाँ पे भी सी एस ए की बात आ जाए भाई वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, टी एस ए की बात आ जाए एल तो निकालनी ही पड़ेगी, एल और आर तो बेटा आपको चाहिए ही चाहिए समझ लो, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये क्या है ठीक है एक मिनट, 40 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। चलो तो पहले तो इसकी रेडियस निकालो, आर क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर बाय 2, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे 0.2 मीटर, आ गया समझ में। तो एल स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, तो बेटा 1 ये तो 1 ही होगा, ये कितना आएगा 0.04। तो एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो जाएगी एल स्क्वायर की वैल्यू 1.04, यही तो पूछ रहा था वहाँ पे देखो। तो L की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 1.04, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 1.0, तो ये हमारी L आ चुकी है ठीक है। अब हमारे पास L आ चुका है तो हमें क्या निकालना है CSA, CSA कैसे करेंगे पाई R L, तो 3.14 पाई की वैल्यू इस बार यही यूज़ करनी है। R की वैल्यू कितनी है बेटा, हमने R की वैल्यू निकाली 0.2 और L की वैल्यू कितनी आई 1.02 ठीक है। आइए मैं सॉल्व कीजिए, कितनी शीट है मतलब ऐसे कितने हमारे पास कौन है बताओ जरा 50, तो टोटल टोटल कॉस्ट मेरे को एक बार बुक में देख लेता हूँ, इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, अच्छा बेटा ये तो ए कितने का है एक का है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी शीट है 50, कितनी शीट है 50 इंटू ए जो हमारा एरिया एक का आया है 0.2 इंटू 1.02, आ गया समझ में। अब कितने का दे रखा है उसने 12 पर मीटर स्क्वायर, मैंने बताया था 12, तो ऐसे ही लिखना है पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर में कुछ नहीं दे रखा तो 1 ही है, तो ऐसे ही आएगा इंटू 12, तो ये हमें सॉल्व करना है यहाँ से ठीक है। तो बेटा इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर जरूर बताएंगे कि सर इतने रुपए लगेंगे ठीक है उनको करने में, मैंने रुपए यहाँ पे लिख दिया है, इसका आंसर आपको मेंशन करना है ठीक है बेटा, समझ में आया। एक्सरसाइज 13.3 हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं इसी के साथ ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। जब तक के लिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सारे फॉर्मूलेस को एक बार आप जरूर देखें ठीक है, नोट करें ट्राई करें घर पर ठीक है। और बेटा ऑल द बेस्ट।